नमो नमो कर दो, जप मामा को नमो नमो कर दो, जा जाओ देख दिया रे गुड़ा, देख दिया मो दिया नमो नमो कर, जा मामा को नमो नमो कर दो, आशीर्वाद दिया मो झी को नमो नमो कर। ओ सदा सुखी रहो, बुद्धि हो ज्ञान हो। नहीं अरे अभी पूजा भी कर लिया हूँ। मेरा शर्ट पैंट कहाँ है? शर्ट और पैंट वो आपका है ना, मेरा कहाँ है? हैं और 2 महीना रुक जाइए, फिर देखिए सब काम करने लगेगी। A few moments later. तो फाइनली गाइस अभी पहुंच गया हूँ ड्यूटी, और इस बाथरूम का फ्लोर आज लगाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं लेवल चारों तरफ कर लिया हूँ। इसका ड्रेन यहाँ पे है, यहाँ पे पानी जाएगा और यहाँ पे डाउन है। सो इसको प्लास्टर करेंगे, उसके बाद फिर लगाना स्टार्ट करेंगे। बाथरूम कुछ इस तरह से भी लग रहा है देखने में, लगने के बाद। और वो सामने में अभी लगाया नहीं हूँ, टुकड़ा का काम थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में इतना सारा टुकड़ा करेंगे तो फिर पोसाएगा नहीं ना, उसको फिर रख देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। जब भी एक घंटा किसी दिन टाइम मिलता है उस टाइम में उसको लगाएंगे। अभी फिलहाल लगा रहा हूँ किचन का स्लैब, ऑलरेडी 2 पीस लगा दिया है इसको और उसको लगा दिया है। अभी आने के बाद फिर बेसिन सेटिंग करेंगे और ये अलमीरा के अंदर फिर लगाएंगे। अभी पहले खाना खा लेते हैं। आज हम लोग का घर में क्या क्या बना है खाने में, सब्जी भात और इसको भी हम लोग चटनी बनाएंगे। और हमारे कुमार भाई का घर में देखिए पोखर भात, आलू का भुजिया और वो भी बना रहे हैं चटनी, खट्टा बना रहे हैं आफ्टर लंच। अभी शाम को 4 बजने वाला है और किचन का स्लैब भी लगा दिया हूँ सब तरफ, सिर्फ यहाँ पे बेसिन लगना बाकी रह गया है। ये मसाला चारों तरफ जब सेट हो जाएगा फिर इस पर चटनी देंगे, उसके बाद इसको लगा देंगे। और अभी फिलहाल पूरा घर का ना लेबल निकालेंगे, और लेबल लेने के लिए देखिए हमने इस तरह बाल्टी का यूज किया है, बाल्टी को एक जगह रख के उसमें पाइप डाल के और ये पानी निकलता है ना, बस लोग पानी जहाँ पे रुकेगी वहाँ पे लेबल इस तरह से मारेंगे सब तरफ। लेबल कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए लगाया, पेंसिल का दाग लगा दिया यहाँ घर के सब तरफ में लगा दिया हूँ कोना में। अब सिर्फ सबको मापी निकालना है कौन कितना है, और जहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट होगा वहाँ से हमको इसको लेबल निकाल के और फिर इसका फ्लोरिंग निकालना है। तो देखिए ये फ्लोर में एक पाइप गया है तो यहाँ से मुझे लेबल लेना पड़ेगा इस जगह से, और यहाँ भी एक लेबल मैं मार दिया हूँ। सब तरफ में पहले माफी करूँगा, उसके बाद फिर इसको भी माफी करूँगा और देखूंगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है ना, फिर वहाँ से फ्लोर का लेबल मैं बनाऊँगा। लेबल निकाल के फिर नीचे से सीमेंट उठा लेंगे, क्योंकि कल फिर फ्लोर लगाएंगे ना, तो सीमेंट उठा के रख देंगे, कल आके जल्दी काम भी स्टार्ट हो जाएगा और टाइम भी है अभी हमारे पास। काम से छुट्टी करके और आगे से थोड़ा मार्केट, और जा रहे हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, कुछ सामान लेना है मुझे। और अभी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ MRF टायर दुकान के सामने में, और एक आगे का चक्का हम लेंगे। ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने ही वाला है, सो देखते हैं अभी लगे आज लेंगे नहीं, बट आज देख के जाएंगे अगर ऐसा कोई मिल रहा है अच्छा सा कम दाम में, कितना रुपये लेता है देखते हैं। ये वाला देख रहा हूँ, ये लूँगा MRF की, सोच रहा हूँ लगा ही लेता हूँ इसको। कॉर्नर पे के पास पहुंच गया हूं और यहां पे पैसा डिपॉजिट होता है, देखते हैं मेरा हो पाएगा कि नहीं। सो भी कैमरा बंद करता हूं। डिपॉजिट हो गया, 6,000 रुपया डिपॉजिट किया हूं, और ये ना किसी को भेजना है मुझे पैसा इसीलिए डिपॉजिट किया, और ऐसे तो अकाउंट में पैसा वैसा रहता नहीं है, जब जरूरत पड़ता है किसी को भेजने के लिए ना तभी मैं डिपॉजिट करके उसके बाद भेज देता हूं डायरेक्ट। ब्लॉगर का कोई ठीक नहीं है, कब क्या करेगा उसका कोई ठीक नहीं रहता है। यहां पे मुझे एक और मस्त चीज़ दिख गया है जो सब्जी बनाने के लिए, वो देखते हैं पूछ के कितना रुपये किलो दे रहा है। हेला और ढेला की बहुत
कंकड़ ले लिया हूँ आधा किलो, और आधा किलो का दाम जानते कितना हुआ? 80 रुपया, 160 रुपया किलो ये सब्जी था। मतलब मुझे लग रहा है मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा दाम का सब्जी खा रहा हूँ। और इसको उड़ीसा में ना कंकड़ बोला जाता है, कंकड़ बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को मालूम नहीं है हिंदी में, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छा से। ये देखो पहचान के बताना ये क्या है, खाने में मस्त लगता है। पर तो अभी जा रहा हूँ फिर श्री के लिए एक नाक का ड्रॉप लेंगे, उसने नहला दिया उसकी मम्मी तो उसको सर्दी हो गया, फोन आया था तो उसको जाके उसका भी एक नाक का ड्रॉप लेके जाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो बहुत छींक रही है अभी, बोल रही उसकी मम्मी। इस रास्ते से हम अभी बस स्टैंड की तरफ जाएंगे। अजा जा जा जा, देखो ये क्या खेल रही है बाहर में, गाड़ी आ रही है, गाड़ी गाड़ी थोड़ा लागू। अच्छा बैठो 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 श्री, इधर देखो ये क्या है, मंच चॉकलेट, देखो इसका नाक से नेटा गिर रहा है। मम्मा को दिया सो इतना सारा सामान लेके आ गए बाहर से, अब ये सब्जी था। अरे बीता कहाँ कोड़ा जाने जी, देखो कितना किलो कहलो, कितना इधर कहलो देखिया। अरे श्री का भी खाना लेके आ गए थे। छिछी चप्पल खोलो, चप्पल खोलो पहले। लेकिन घर तो आ गए हैं पर फिर बाजार जाएंगे। अभी श्री की मम्मी को बोलता हूँ कुछ नाश्ता बनाने के लिए। मिता अगर नाश्ता टे बने दियो कौन ठीक है, वो खाए जे तब थोड़े मार्केट जीवा। देखो टूट जाएगा बेटा चॉकलेट, टूट जाएगा। श्री के लिए दो मंच का चॉकलेट भी लेके आ गए। क्या क्या लिखी है आज, क्या क्या लिखी है? देखो कुछ इस तरह से लिखती है ये, ऐसे ऐसे कुछ, चलो कुछ भी हो पर पेन तो चलाती है ना, इतना ही बड़ा बात है। श्री का नाम लिखता हूँ, SHREEE श्री। इस तरह से लिखो, REEE श्री। नाश्ता लेके आओ, जाओ मम्मा बना रही है, जाओ मुड़ी मिक्सचर से पूछो हुआ, मम्मा से पूछो हुआ। देखो देखो आ गया ही लेके, आ जा। बहुत दिन के बाद मुड़ी खाएंगे आज, इसमें नींबू थोड़ा गार देगी ना, खाने में मस्त टेस्टी बन जाएगा। पूरा झालमुड़ी की तरह बना देती है सारी मम्मी, सब कुछ मिला के। तो फाइनली मैं अभी जा रहा हूँ फिर से एक बार और मार्केट, और एक पूजा करने के लिए घंटी लेकर आना है। मेरे पास ये घंटी था पर ये ना श्री तोड़ दिया इसके, देखते हैं। मैं जब भी पूजा करता हूँ तो टाइम पूरा सुना सुना सा लगता है। यार कितने तुम 10 350 यार खा दे लो, पैसा दे दियो। सो गाइस फाइनली ले लिया घंटी और एक टॉर्च देख लेते, पर टॉर्च अच्छा सा मिला नहीं, क्योंकि अच्छा लाइट हो वीडियो बनाने के लिए वैसा मिला नहीं। तो मैं कभी जाऊंगा एक्सटेंशन कॉर्ड लेने के लिए, क्योंकि वो भी जरूरत है। अच्छा सा देखेंगे इस तरह, बहुत सारा रहता हूँ और सब खराब हो जाता है, पर इस बार अच्छा सा देखे लेंगे हम। ले लिया हूँ बोर्ड कोना का, देखते हैं ये कैसा लास्टिंग करता है। आपको 10:05 हो गया है और अभी हम लोग फिर खाना खाने के लिए बैठ गया हूँ। एक बार इसको पहले देखो, अभी तक नहीं ये सोई है। सो आज खाने में है रोटी के साथ मिलमिकर, मतलब सोयाबीन भरी। चलिए भी खाना खाते हैं फिर। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, लोगों के साथ बातें रहिए। जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।